नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। नजर डालेंगे राजस्थान की 10 बड़ी खबरों पे। राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। डूंगरपुर में भारी बारिश के साथ हुई। जैसलमेर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। राजस्थान में एक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला। एफटी के नाम पर 50 करोड़ की ठगी। किसान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे 2000 लोग फंसे। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, दिलावर की एस्कॉर्ट बढ़ा दीजिए, दुर्घटना नहीं घट जाए। हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश, नेताओं के बेटों का अघोषित शासन आ गया। मंत्री दिलावर बोले, गांधी वाटिका में पूर्व सीएम ने भ्रष्टाचार किया, घटिया पत्थर लगाया। जिन विदेशियों ने देश पर राज किया उनका महिमा मंडन किया। डेप्यूटी सीएम दिल्ली तलब, बेटे की रील वायरल होने के बाद किया था बचाव। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ खुली जीप चलाने का वीडियो हुआ था वायरल। बिजली टेंडर में 600 करोड़ का घोटाला। आरटीआई एक्टिविस्ट बोले, कांग्रेस राज में चुनाव से पहले दिए चहेती फर्म को ठेके। अजमेर में सरकारी स्कूल के टीचर ने भेजे अश्लील मैसेजेस। पूर्व छात्रा के परिजन और ग्रामीणों ने जताया रोष। स्कूल को हटाया और जांच। पर्यटन विभाग की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बोली, पर्यटन के साथ स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिले। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर नगर निगम हेरिटेज की नवनियुक्त महापौर कुसुम यादव से की आत्मीय मुलाकात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व संगठन प्रभारी पहुंचे अलवर। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। और इसी के साथ राजस्थान की टॉप 10 खबरों में इतना ही।